Hello everyone. I hope you are fine at your places. So before this video, I've told you about the frequency domain specifications. We have analyzed some points of frequency domain. Now in this video, I've told you that we will study about some basic things. Means we have to analyze the graphs and the things we have to analyze on the basis of frequency base. So first one, today's topic is Bode plot. So what Bode plot means and how to implement and how to plot this graph, we will learn in this video with some basic things regarding this plot. So let's start. So Bode plot के बारे में आपको एक चीज बताऊं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि Bode plot जो है वो किस चीज के बारे में हमें बताता है. तो Bode plot हमें पहले तो सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करता है. सबसे पहले ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि Bode plot हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करता है. मीन्स जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, अब ये कमेंट किस पे करता है Bode plot? ये कमेंट कर रहा है जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, गेन मार्जिन के बारे में, फेस मार्जिन के बारे में. ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को. अब देखो जो Bode plot है ना, बेसिकली हमारा बनता कैसे है. तो Bode plot बनता है हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ग्राफ्स के ग्राफ्स को एक कंबाइंड ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमारा Bode plot बनता है. ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ होता है. ये ऊपर से ये वाला पोर्शन है जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और ये हमारा फेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है. सो हियर यू हैव टू सी दैट दिस इज टू बी एक्स एक्सिस एंड दिस इज टू बी वाई एक्सिस फॉर दिस ग्राफ एंड दिस इज वाई एक्सिस फॉर द फेस एंड दिस इज एक्स एक्सिस फॉर द फ्रीक्वेंसी इन द फेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने मैग्नीट्यूड वाले पोर्शन को क्या कहना है, डीबी एक्सिस कहेंगे. क्यों कहेंगे डीबी एक्सिस? क्योंकि हम जितने भी प्लॉटिंग करने वाले हैं यहाँ पे वो हम करेंगे इन दी डीबी. ओके, सपोज अब आपको बोला गया है कि आपको टू को प्लॉट करना है इन डीबी, आप कैसे करोगे? यू हैव टू राइट 20 log 2 और जो इसकी बेस होगी 10 होगी. जो इसका आंसर होगा इट शुड बी प्लॉट ऑन दैट ग्राफ. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हैं बेसिकली वो हमें डीबीज में प्लॉट करनी है. सपोज 4 है, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन डीबीज? यू हैव टू राइट 4 इनटू डीबी लाइक 20 log base 10 4. सो अब से हम मैग्नीट्यूड एक्सिस को डीबी एक्सिस भी कहेंगे. ठीक है, फ्रिक्वेंसी को मैंने बता दी एक्स एक्सिस कहते हैं. ठीक है, इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस तरीके से. देखो ये रहा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये रहा हमारा फेस प्लॉट. इसको अलग अलग तरीके से मैंने बना के बताया. तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैग्नीट्यूड की वैल्यूज को यूज करेंगे ना, वो इस तरीके से होगा 20 log मॉडुलस में क्या लिखा है मैंने, जी जे ओमेगा. आई हैव टोल्ड यू ये कैसी आई इक्वेशन, आपको सबको पता है ये इक्वेशन कैसे आई है. पुरानी वीडियोज में हमने इसको डिराइव भी करा है. और फेस को देखो कैसे लिखा है, ये हमने डिराइव भी किया. फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द बेसिक Bode plots. व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी नीड टू टेक ऑलवेज अ कांस्टेंट के. वी हैव ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन अ कांस्टेंट के. इन द सेकंड पार्ट वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल टर्म. We need to find Bode plot regarding integral term k upon j omega or k upon j omega raised power n. So the third one is derivative term k j omega or k j omega n. The first order term in denominator 1 upon 1 plus j omega or 1 plus j omega n. Fifth one is first term in the numerator and 1 plus j omega or 1 plus j omega n. The sixth one is quadratic term in the denominator. This one. So, अब ये चीजें हैं क्या, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे. ये सब चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे कि कर क्या रहे हैं हम लोग, कि कॉन्स्टेंट के क्या है ये. डोंट गेट कंफ्यूज, आई विल टेल यू स्लोली.
सबसे पहले देखेंगे हम प्रोसीजर कैसे क्या होता है ड्रॉ करने का अगर हम कांस्टेंट के को लेके चलते हैं। आप लोग धीरे धीरे देखो, ये सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है आज की वीडियो का कि हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं बॉडी प्लॉट के साथ। इन अ वेरी स्लो प्रोसेस आई टेल यू दैट यू हैव टू यू हाउ यू पीपल विल प्लॉट द ग्राफ। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहले यू नीड टू, जो भी आपके पास s की s वैल्यू होगी ना क्वेश्चन में, यू हैव टू रिप्लेस इट विद इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, मींस j ओमेगा के साथ आपको इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्यों? हम क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, आपने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है किस में, डीबी में। अभी मैंने बताया डीबी में कैलकुलेट करना है, डीबी की कोई भी वैल्यू दी होगी उसको देखो, जैसे 2 दिए है 2 को डीबी में कैलकुलेट करके फिर मैग्नीट्यूड को इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, इस फॉर्मूले में डाल के आप रखोगे। मोस्टली क्या होगा, हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही दिया होगा। इनकेस अगर आपको दिया हो एच ऑफ एस तो आप उसकी वैल्यू ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस हम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पास एच ऑफ जे ओमेगा है ना फीडबैक सिस्टम, ये यूनिटी है 1 दिया हुआ है। कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैग्नीट्यूड निकालने के बाद द थर्ड वन स्टेप इज टू फाइंड द फेस एंगल। फेस एंगल निकालने का तरीका होता है फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन द रियल पार्ट, ये भी आप लोगों को बता चुकी हूं मैं। द अदर वन इज वेरी द ओमेगा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम टू फाइंड द एम एंड फाई एंड ड्रॉ द मैग्नीट्यूड एंड द फेस प्लॉट। आपको वेरी करना पड़ेगा जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, उसको वेरी करके आपको ड्रॉ करना है मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट को आपको एक साथ ड्रॉ करना है। हम ज्यादा फोकस मैग्नीट्यूड वाले में करेंगे, फेस का तो ऑलरेडी हम उससे निकाल सकते हैं। तो छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको एक फंक्शन दिया है जी ऑफ एस के। अब आपने क्या करना है, मैंने एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले रिप्लेस करना है ये जो एस है ना उसकी जगह क्या डालना है, जे ओमेगा। ठीक है, हम अगर जे ओमेगा डाल दिया हम लोगों ने, अगर इस साइड भी एस की वैल्यूज दी होती तो आपको रिप्लेस करना पड़ता जे ओमेगा के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, 20 log जी जे ओमेगा। जी जे ओमेगा में क्या दिया हमें, ये दिया है, ये देखो के दिया है, के डाल दिया हमने। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, और अगर कोई और वैल्यू दी होती हम पूरा का पूरा वैसे ही डालते मॉडुलस में। अब देखो, अब इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे, देखो सपोज अगर k की वैल्यू 1 है तो 1 आएगी k की वैल्यू, तो कैसे प्लॉट होगा, इस तरीके से k इक्वल्स टू 1 है तो ये लाइन प्लॉट होगी। अगर k की वैल्यू इट्स ग्रेटर देन 1 मींस इट मे बी 2, 3 और यू कैन कीप ऑन गोइंग चेंजिंग, then the value will be always on the positive axis। देखो ये लाइन जो है वो बता रही है पॉजिटिव एक्सिस, मैग्नीट्यूड इन डीबी, ये याद रखना है ये डीबी एक्सिस है। सपोज इफ द वैल्यू के इज लेस देन 1 इन नेगेटिव मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव एक्सिस पे होगा। अगर के की वैल्यू 0 है, 0.5 भी है, मीन्स वो 1 से कम है, तभी वो क्या आ रही है नेगेटिव एक्सिस में। ठीक है, आप लोग एक देखो, अगर सपोज मैग्नीट्यूड के बाद आपको क्या निकालना है फेस एंगल, तो आप क्या करोगे phi equals to tan inverse imaginary part upon real part। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो नीचे रियल पार्ट k है, इसका एंगल क्या आएगा 0, बिकॉज tan inverse 0 का क्या होता है 0, सो ये हमारा फेस निकल गया। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट भी कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या करना, इस तरीके से बना होगा वहां पे ग्राफ जिसमें ऐसे जीरो करके अलग से आप प्लॉट कर दोगे, फेस एंगल जीरो ही आएगा। सो ये एक बेसिक आइडिया है प्लॉटिंग का कि हम लोग कैसे करने वाले हैं चीजों को सॉल्व। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट, वी विल टेक द एग्जांपल एंड वी विल सॉल्व द बोडे प्लॉट एंड वी विल प्लॉट द ग्राफ। Thank you for watching this video.